ओम धन्वंतराय नमः। आज हम श्रोतस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर के लिए हो या फिर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट हो, तो श्रोतस से क्वेश्चन निश्चित रहता है। अगर हम श्रोतस की संख्या के बारे में जानेंगे तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि श्रोतस का संख्या है 9। और अगर हम योगवाही श्रोतस के बारे में डिस्कस करेंगे तो योगवाही श्रोतस जो है वो 11 पेयर्स और 22 है। आचार्य चरक ने 13 श्रोतस के वर्णन किए हैं, और वो 13 क्या है ना, प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, 7 धातु वह, मूत्र वह, पुरुष वह और स्वेद वह। ऐसे के 13 श्रोतस के बारे में आचार्य चरक ने वर्णन किए हैं। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि वह, मज्जा वह और स्वेद वह, ये 3 श्रोतस के बारे में वर्णन ही नहीं किए हैं। तो सबसे पहले आता है प्राण वह श्रोतस। शरीर सुश्रुत श्रेष्ठ, इसलिए हम हमेशा जब शरीर के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले सुश्रुत के अनुसार ही हमको पढ़ना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण वह श्रोतस का मूल है हृदय और रसवाहिनी धमनी, लेकिन आचार्य चरक के अनुसार हृदय और महाश्रोतस। तो ऐसा क्यों है? इसीलिए है, आप देखो हृदय दोनों जगह में रहा, क्योंकि पर ओज का स्थान है हृदय। चरक के अनुसार महाश्रोतस है, ऐसा क्यों? क्योंकि चरक के अनुसार अग्नि भी प्राण का अधिष्ठान है, और महाश्रोतस का अर्थ है हमारा GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसको ही महाश्रोतस कहा जाता है। और वहां पर ग्रहणी है, ग्रहणी में अग्नि है, अग्नि भी प्राण का अधिष्ठान है। इसीलिए आचार्य चरक ने प्राण वह श्रोतस के मूल हृदय और महाश्रोतस कहे। श्रोत विद्ध लक्षण आचार्य सुश्रुत वर्णन करेंगे, जबकि श्रोत दुष्टि के लक्षण के बारे में आचार्य चरक बताते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुश्रुत के अनुसार श्रोत विद्ध लक्षण इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम श्रोत विद्ध लक्षण ही डिस्कस करेंगे। प्राण भव श्रोत विद्ध होता है तो आक्रोशन, विनमन, मोहन, भ्रमण, वेपन और मरण होता है। अन्न भव श्रोतस, सुश्रुत के अनुसार आमाशय और अन्नवाहिनी धमनी उसका मूल है, जबकि आचार्य चरक के अनुसार अन्न भव श्रोतस का मूल है आमाशय और वाम पार्श्व। महाश्रोतस के वाम पार्श्व में ही ग्रहणी अवस्थान करता है, और ग्रहणी में ही अन्न का पाचन क्रिया संपादित होता है। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कि अन्न भव श्रोतस का मूल जो है आमाशय और वाम पार्श्व। तो चरक और सुश्रुत दोनों ने कॉमनली अन्न भव श्रोतस का मूल बताए आमाशय, और आचार्य चरक बता रहे हैं वाम पार्श्व, सुश्रुत बता रहे हैं अन्नवाहिनी धमनी। अन्न भव श्रोत विद्ध होता है तो पिपासा, अंध्य मरण होता है। उदक भव श्रोतस, आचार्य सुश्रुत के अनुसार उदक भव श्रोतस के मूल है तालु और क्लोम, और चरक के अनुसार भी तालु और क्लोम है। श्रोत विद्ध लक्षण, उदक भव श्रोतस विद्ध होता है तो पिपासा, सद्य मरण। याद रखना है, अन्न भव श्रोतस विद्ध होता है तो पिपासा अंध्य मरण होता है, उदक भव श्रोतस विद्ध होता है तो पिपासा सद्य मरण होता है। रस भव श्रोतस, आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस भव श्रोतस का मूल है हृदय और रसवाहिनी धमनी। आचार्य चरक के अनुसार रस भव श्रोतस का मूल है हृदय और दश धमनी। याद रखना है कि चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार रस भव श्रोतस का मूल भी हृदय है और प्राण भव श्रोतस का मूल भी हृदय है, लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि दश धमनी। ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि जब आप चरक के सूत्र स्थान में पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो कि हृदय में ओज अवस्थान करता है, और जो अपर ओज है तो वो दश धमनी के द्वारा सर्व शरीर में विधमन करता है, और वो ओज क्या है? ओज है रस का स्नेह। इसलिए रस भव श्रोतस का मूल आचार्य चरक के अनुसार हृदय और दश धमनी है। श्रोत विद्ध लक्षण, रस भव श्रोतस विद्ध होता है तो प्राण भव श्रोत विद्ध के सारे लक्षण यहाँ पर मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आक्रोशन, विनमन, मोहन, भ्रमण, वेपन, मरण। उसके साथ विशेष रूप में रस भव श्रोत विद्ध होता है तो शोष उत्पन्न होता है। शोष का अर्थ है कि धातु का क्षय से शोष हो रहा है, शुष्कता हो रहा है। रस आद्य धातु है, रस प्रधान धातु है,
अगर असभ स्वत विद्ध हुआ तो उत्तर उत्तर धातु जो है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति या रोगी शोष से पीड़ित होगा। रक्त वह स्रोत आचार्य सुश्रुत के अनुसार यकृत प्लीहा रक्तवाहिनी धमनी, और चरक के अनुसार यकृत और प्लीहा। रक्त वह स्रोत विद्ध होता है तो ज्वर दाह रक्त नेत्रता हो रहा है, तो रक्त नेत्रता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मांस वह स्रोत आचार्य सुश्रुत के अनुसार मांस वह स्रोत के मूल है स्नायु त्वक रक्तवाहिनी धमनी। आचार्य चरक के अनुसार स्नायु और त्वक, तो सुश्रुत और चरक दोनों के अनुसार स्नायु त्वक ये कॉमनली प्रेजेंट रहा और रक्तवाहिनी धमनी आचार्य सुश्रुत ने बताए। यहां पर आपको याद रखना है जैसे कि हमने पढ़े कि हृदय प्राण भव रसभव स्रोत का मूल था, ऐसे ही रक्तवाहिनी धमनी आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्तभव स्रोत और मांसभव स्रोत का मूल है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। मांस वह स्रोत विद्ध होता है तो स्वयथु मांस शोष मीन्स मांस की शुष्कता, मांस धातु की कमी, शिरा ग्रंथि और मरण हो रहा है, क्योंकि मांस धातु भी प्राणायतन दस प्राणायतन में से एक है। मांस धातु का कर्म है शरीर को पुष्ट करना, इसलिए मांस वह स्रोत विद्ध होता है तो उससे मृत्यु हो रहा है, मरण हो रहा है। नेक्स्ट इज मेद वह स्रोत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेद वह स्रोत का मूल है कटी और वृक्क, आचार्य चरक के अनुसार वृक्क और बपा बहन। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों आचार्य के अनुसार वृक्क कॉमनली प्रेजेंट है, ऐसा क्यों है, कैसे याद रखोगे इसको? आप जब सुश्रुत शरीर स्थान पढ़ते हो तो वहां पर वो बता रहे हैं गर्भ व्याकरण शरीर में बता रहे हैं कि रक्त मेद प्रसादात वृक्क, रक्त और मेद धातु के प्रसाद भाग से ही वृक्क के निर्माण हो रहा है। तो चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार मेद वह स्रोत का मूल जो है वो वृक्क है। सुश्रुत ने अलग से कटी बताए हैं, चरक ने अलग से बपा बहन बताए हैं। मेद वह स्रोत विद्ध होता है तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि तालु शोष सोफ पिपासा और स्थूल्य हो रहा है। तो पिपासा अन्न वह स्रोत विद्ध से मिला, उदक भव स्वत विद्ध से हुआ और मेद भव स्वत विद्ध से भी पिपासा हो रहा है। अस्थि भव स्रोत, तो अस्थि भव स्रोत का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किए हैं और आचार्य चरक के अनुसार अस्थि भव स्रोत का मूल है मेद और जघन। अस्थि भव स्रोत के वर्णन सुश्रुत ने नहीं किए हैं। मज्जा भव स्रोत, इसके बारे में भी आचार्य सुश्रुत ने वर्णन ही नहीं किए चरक के अनुसार, और मज्जा भव स्रोत का मूल है अस्थि और संधि, क्योंकि मज्जा का जो प्रेजेंस है, मज्जा का जो अधिष्ठान है वो है अस्थि के अभ्यंतर में, और संधि कुछ अलग नहीं है, बहुत सारे अस्थि, मिनिमम दो अस्थि या उससे ज्यादा अस्थि एक जगह में मिलित होते हैं तो संधि निर्माण करते हैं। तो अस्थि के अभ्यंतर में मज्जा रहता है, तो मज्जा भव स्रोत का मूल जो है अस्थि और संधि ही होगा, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने मज्जा भव स्रोत के बारे में वर्णन ही नहीं किए। शुक्र भव स्रोत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्तन और वृषण, जबकि आचार्य चरक के अनुसार वृषण और सेफ। शुक्र भव स्रोत विद्ध होता है तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं क्लैव्य और रक्त शुक्रता हो रहा है, रक्त नेत्रता हो रहा है रक्त भव स्रोत विद्ध होता है तो, और रक्त शुक्रता हो रहा है शुक्र भव स्रोत विद्ध होता है तो, क्लैव्य होता है शुक्र भव स्रोत विद्ध से क्लैव्य होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है क्लैव्य रस दुष्टिजन्य विकार है, शुक्र दुष्टिजन्य विकार है, शुक्र भव स्रोत विद्ध जन्य विकार है क्लैव्य। मूत्र भव स्रोत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूत्र भव स्रोत का मूल है बस्ती और मेढ्र। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये मेढ्र हो गया है, तो ये मेढ्र होगा, और आचार्य चरक के अनुसार मूत्र भव स्रोत का मूल है बस्ती और वंक्षण। चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार मूत्र भव स्रोत का मूल बस्ती है, कॉमनली ये बस्ती प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि बस्ती ही मूत्राशय है। तो मूत्र भव स्रोत का मूल जो है चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार बस्ती है, सुश्रुत के अनुसार है मेढ्र, चरक के अनुसार है वंक्षण। पुरुष भव स्रोत, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पुरुष भव स्रोत के मूल है पक्वाशय और गुद, जबकि आचार्य चरक के अनुसार पक्वाशय और स्थूल गुद।
पुरुष वह स्वतः विद्ध होता है, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं अंतर ग्रंथि हो रहा है, वहां पर शिरा ग्रंथि हो रहा है, मांस वह स्वतः विद्ध होता है तो अंतर ग्रंथि हो रहा है, या आप संहिता देखेंगे तो वहां पर ग्रथित अंतरता लिखा हुआ है, तो ग्रथित अंतरता या अंतर ग्रंथि हो रहा है पुरुष वह स्वतः विद्ध होने से। आर्तव वह स्रोत आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनी, और आर्तव वह स्रोत विद्ध होता है तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं बंध्यात्व मैथुन असहिष्णुत्व, क्लैव्य शुक्र वह स्रोत विद्ध होता है तो बंध्यात्व आर्तव वह स्रोत विद्ध से उत्पन्न है बंध्यात्व, स्वेद वह स्रोत आचार्य चरक के अनुसार स्वेद वह स्रोत के मूल है मेद और लोमक उप, तो यहां पर आपको याद रखना है मेद अस्थि वह स्रोत और स्वेद वह स्रोत दोनों का मूल है, रक्तवाहिनी धमनी रक्त वह स्रोत और मांस वह स्रोत दोनों का मूल है, हृदय प्राण वह स्रोत और रस वह स्रोत दोनों का मूल है, रसवाहिनी धमनी प्राण वह स्रोत और रस वह स्रोत दोनों का मूल है। इंपॉर्टेंट है ये चार चीज याद रखना है, श्वेत वह स्रोत के बारे में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन ही नहीं किए हैं। अब हम देखेंगे कंपेरेटिव स्टडी ऑफ स्वतविद्ध लक्षण, जो जो सिमिलर है उसको हम एक ही जगह में करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले हमको क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो मरण प्राण वह स्रोत अन्न वह स्रोत उदक वह स्रोत और मांस वह स्रोतविद्ध से होता है, पिपासा उदक वह अन्न वह और मेद वह स्रोतविद्ध से पिपासा हो रहा है, शोष हो रहा है रस वह स्रोतविद्ध से, जबकि मांस शोष होगा मांस वह स्रोतविद्ध से, तालु शोष होगा मेद वह स्रोतविद्ध से, बंध्यात्व आर्तव वह स्रोतविद्ध से बंध्यात्व हो रहा है, क्लैव्य शुक्र वह स्रोतविद्ध से हो रहा है, शिरा ग्रंथि मांस वह स्रोतविद्ध से हो रहा है, जबकि ग्रथित अंत्रता या अंत्र ग्रंथि पुरुष वह स्रोतविद्ध से हो रहा है। Thank you. God bless you all. Wish you